एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएससी फार्मेसी। नमस्कार, आप सब लोगों को स्वागत है आप लोगों का बीएससी फार्मेसी में। एकेटी यूनिवर्सिटी का एक और लेटेस्ट अपडेट, 15 जून का ये अपडेट है, 15 जून 2024 का ये अपडेट है। लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के सामने लेकर के आ गए हैं। 15 जून को तो ये नोटिस पास हुआ था, जो एकेटी की वेबसाइट पर पब्लिक हुआ है वो हुआ है ये नोटिस 18 जून को पब्लिक हुआ है। अब क्या है ये नोटिस, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। और इस नोटिस में उन स्टूडेंट के बारे में बात करी है जो स्टूडेंट अपना रिफंड चाहते हैं एकेडमी यूनिवर्सिटी से। तो क्या बोल रही है यूनिवर्सिटी, बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो हे एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत, आप लोग प्यार से प्रोफेसर पुनीत भैया बुलाते हैं और स्वागत है आप सब लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म बीएससी फार्मेसी में। बीएससी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों को बी फार्मा डी फार्मा के कंप्लीट सेमेस्टर एग्जाम और अपने ईयर वाइज एग्जाम के द्वारा आपकी प्रिपरेशन कराता है अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अदरवाइज आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के बीएससी फार्मेसी सर्च करेंगे तो ऐप आ जाएगा। अब यूनिवर्सिटी का अपडेट क्या है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब से कुछ दिन पहले लगभग 1 जून के लगभग क्या है कि यूनिवर्सिटी का एक अपडेट आया था, जहां पर यूनिवर्सिटी ने बोला था कि जिन स्टूडेंट ने एग्जाम फॉर्म फिल करते टाइम 2 बार यानी कि 1 से ज्यादा बार पेमेंट कर दी है तो उनका जो अमाउंट है वो रिफंड कर दिया जाएगा। और रिफंड कराने के लिए आपको अपनी बैंक डिटेल्स क्या है अपने ईआरपी पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ेगी। अब ये सारी की सारी जिम्मेदारी क्या है एकेडमी यूनिवर्सिटी ने क्या है कॉलेजेस के ऊपर छोड़ी थी कि जिन भी स्टूडेंट का क्या है अमाउंट रिफंड होना है, आप अपने कॉलेज के उस बच्चे का डाटा देखिए, है ना, उसने 1 से ज्यादा बार पेमेंट करी तो ठीक है, आप उसका क्या है जो डिटेल्स है वो ईआरपी पोर्टल पर अपलोड करा दीजिए उसके अकाउंट नंबर के साथ में। अब क्या हुआ है कि अब ये नोटिस दोबारा से पब्लिश क्यों किया गया है, क्योंकि कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने पेमेंट करने के बाद में वो अभी अकाउंट की संख्या क्या है यानी कि अकाउंट नंबर जो है उनका वो अभी तक एकेडमी के पोर्टल पर यानी कि क्या अपने ईआरपी पोर्टल पर अपलोड नहीं करा पाए। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ क्या है, छात्र एवं छात्रा द्वारा 1 से अधिक बार जमा शुल्क वापसी के संबंध में ये नोटिस है। अब यहाँ पर देखिए दिक्कत क्या आ रही है, यहाँ पर एकेडमी यूनिवर्सिटी ने इस नोटिस में साफ साफ बोला है कि अधिकतर छात्र या छात्रा के बैंक विवरण उपलब्ध न होने के कारण से 1 से अधिक जमा शुल्क की वापस किए जाने का संभव नहीं हो पा रहा है, कि जो खाता संख्या भाई वो ना होने की वजह से क्या है 1 से ज्यादा बार जिन्होंने पेमेंट करी है उनको पेमेंट रिफंड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनका अकाउंट नंबर यानी कि अकाउंट डिटेल उनकी यूनिवर्सिटी के पास में नहीं है। तो उसके बाद में इस लास्ट पैराग्राफ में यूनिवर्सिटी क्या बोल रही है कॉलेजेस को कि भैया अगर जो आपके कॉलेज में ऐसा कोई छात्र या छात्रा है, अंत आपसे अनुरोध है कि आपकी संस्था में ऐसे छात्रों का जिन्होंने 1 से अधिक बार है ना भुगतान किया है उन्हें अपने बैंक विवरण ईआरपी पर अपलोड करने के हेतु अपने स्तर से सूचित करने का कष्ट करे, यानी कि क्या है उन स्टूडेंट को कॉलेजेस बोले क्या कि भैया आप लोगों को अपना अकाउंट नंबर क्या है अपने ईआरपी पोर्टल पर अपलोड कर देना है और आपका क्या है जो पैसा है जो ज्यादा कट गया है वो आपके अकाउंट में रिफंड हो जाएगा। अब इन डेट केस बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास में मैसेजेस आए और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने ये बोला कि भैया हम लोगों ने कॉलेज वालों से बोला है तो कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि हमारे हाथ में नहीं है सीधा यूनिवर्सिटी करेगी, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो साफ तौर पर यूनिवर्सिटी ने कॉलेजेस को ही ये बोला कि अपने बच्चों के ऐसे डिटेल निकालिए और उनको ईआरपी पोर्टल पर अपना अकाउंट नंबर फिल करने के लिए बोलिए ताकि उनका पैसा रिफंड हो सके। तो कॉलेजेस के हाथ में छोड़ा है, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कॉलेज से कैसे बात करते हैं कैसे ट्रीट करते हैं, क्योंकि कॉलेजेस क्या है जब उनको अपनी फीस चाहिए तब तो सुपर एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद में पूरे साल वो चूं तक नहीं करेंगे, है ना। तो यही कंडीशन रहती है, बट आप उनसे जवाब मांगे उनसे बोले कि अगर जो मेरा पैसा रिफंड नहीं हो रहा है तो आप लोग दीजिए अदरवाइज मेरा पैसा रिफंड कराए, क्योंकि यूनिवर्सिटी बोल रही है कि भैया अपने ईआरपी पोर्टल पर अकाउंट संख्या सबमिट कर दीजिए, इसमें कहीं ना कहीं कॉलेज का भी रोल है तो आप लोग अपने कॉलेज में बात कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आगे ये चीजें ना हो पाए इस वजह से मैं आप लोगों के लिए सारे के सारे अपडेट्स लेकर के आता रहता हूं, क्योंकि कि अगर जो ऐसा ही होता रहा तो क्या है अब रिफंड पॉलिसी क्या है, अगर जो एकेडमी ने बोल दिया कि पिछली बार हमारे से दिक्कत हो गई थी, है ना, बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म ही नहीं भरे थे, बहुत सारे बच्चों ने अपना अकाउंट संख्या नहीं दी थी, तो हम लोगों ने क्या रिफंड पॉलिसी बंद ही कर दी है। तो आप लोग इस चीज का जरूर से जरूर ध्यान रखें, इन चीजों पर फोकस रहें और कोई भी समस्या कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके कमेंट कर सकते हैं, है ना, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगा। आज के वीडियो और आज के अपडेट आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। टिल देन मिलते हैं आप लोगों से ऐसे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद।